उसमें से तीन पंजाबी, उसमें से तीन पंजाबी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी, रिलीज़ पे थी, और जब हम प्रमोशन का काम कर रहे थे तब दिव्या बहुत, मतलब बहुत ही टेंस थी, बहुत बहुत टेंस थी, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थी। एंड एक्चुअली रिलीज़ से कुछ ही दिन पहले वो गुजर गई। सो आई हैव सीन दिव्या थ्रू दिस फेज। दूसरा, मैंने खुद अपनी माँ को खोया है बहुत साल पहले। डुप्लीकेट की शूटिंग करने गए थे प्राग, तो जब हम वहाँ लैंड हुए तो अगले दिन मम्मी उठकर अपनी मॉर्निंग वॉक पे गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो मैं वो जानती हूँ कि वो दुख क्या होता है एक माँ को खो देना। सो समवेयर आई अंडरस्टैंड दिव्या, एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस हु आई एडमायर। मैंने उनकी भाग मिल्खा भाग देखी, और ऑफकोर्स फरहान अख्तर ने बड़ा कमाल का काम किया था, बड़ी कमाल की फिल्म थी, मगर मुझे लगा कि दिव्या ने इतना खूबसूरत काम किया, मैंने उसे फूल भेजे थे उस फिल्म के बाद। सो आई हैव नोन हर ओवर द इयर्स, 12-13 साल से मैं उन्हें जानती हूँ, हमने काम किया है, जैसे कि मैंने कहा कि हमने फिल्मों में भी काम किया साथ में, और बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ दिव्या एंड फॉर हर मदर and for all mothers. अजय जी, साथ ही जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा memorable moment आपका आपकी मॉम के साथ है, जो आप हमेशा से बचपन से लेके आज तक उनकी कहीं कोई बात जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलती हो, कोई भी एक उन्होंने ऐसी बात कही हो आपको? हाँ, मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती थी। वो ताज होटल में काम करती थी और बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर, बहुत अच्छी तरह पहन करके हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती थी काम पर जाते हुए। तो मैंने सोचा मैं उनकी तरह बनूंगी। फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये सब काम मत करना, तो तुम कुछ सेल्स मार्केटिंग कुछ एक्साइटिंग सा काम करना, मैं जो करती हूँ मत करना। मुझे तो ये भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी, कुछ 11 साल की, तो मुझे कोई मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, तो उसके मुझे कुछ 1000 रुपये मिले थे वो काम करने के लिए। तो मैं पहले भाग के ना मैंने अपने पैसे मम्मी को दिए थे कि ये मैं आपको दूँ, मतलब मेरी पहली कमाई। मैं 11 साल की थी, तो शी वॉज़ वेरी टच्ड, वेरी इमोशनल। फिर मैं जब स्टार बनने लगी, जस्ट डर रिलीज़ हो गई थी, मैं मतलब स्टार बन गई थी, या यू से आई वाज, उनका बर्थडे आया और मैंने उनके लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था। माँ को यू नो यू टेक फॉर ग्रांटेड, पहली बार मैंने उनके लिए हीरे के इयररिंग्स खरीदे थे अपनी कमाई से, और वो इतनी खुश हुई कि वो रोने लग गई, और बस कुछ ही महीनों के बाद वो गुजर गई। तो ये बात मेरे साथ हुई। जी जी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी अपनी कोई बायोग्राफी, आप भी अपनी बुक लॉन्च करेंगी, कभी अपनी कहानी को बताएंगी बुक के जरिए? ओ बाप रे, जितना मैं हंसी हूँ ना उतना मैं रोई भी हूँ, तो पता नहीं हिम्मत होगी कि नहीं। अच्छा जू जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल एक्टर हैं, साथ में ऐसे इवेंट पे भी हमें रोज मिलती रहती है, इसके अलावा आप बहुत बड़ी अच्छी बिजनेसमैन भी हैं। अरे वाह, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल भी आ रहा है, तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी क्या चल रही है, अभी मिनी ऑक्शन होगा। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस साल हमारी टीम में, वसीम भाई नहीं है हमारे साथ, मैं उनकी जगह बालाजी, जो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, वो कोच बनेंगे बॉलिंग टीम के। आई थिंक एक मेरा फेवरेट प्लेयर एंड्रे रसल, वो नहीं खेल पाएगा, वो बैन हो गया। सो आई थिंक देर विल बी अ फ्यू चेंजेस इन द टीम, बट आई होप इट्स फॉर द बेटर। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस साल हमने देखा काफ़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, ये सब मुझे मत पूछो। आपके इस टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी ऐसा या और भी कोई? फिलहाल तो है ही नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। अच्छा जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री पर अभी कहाँ देखेंगे हम आपको, क्योंकि ऑडियंस आपको हर वक्त देखना ही चाहती है। मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, नागेश कुकुनूर कर रहे हैं, बहुत ही
कमाल की थी, मतलब उन्होंने पहला एपिसोड मुझे पढ़ने के लिए दिया और बहुत ही कमाल का था, एंड जिसमें मैं एक डिफेंस मिनिस्टर का रोल कर रही हूँ, तो मैं बड़ी खुश थी और मैं वो शूटिंग करने कुछ 8 दिन के लिए, आई मीन 8 दिन के बाद जा रही हूँ। ये एक वेब सीरीज़ है तो अभी तो शूटिंग होगी, फिर लेट्स सी जब रेडी हो जाएगी तब आ जाएगी। थैंक यू।